हेलो नमस्कार, मैं अंगीशा, हमारे चैनल किचन क्वीन अंगीशा में आप सबका स्वागत करती हूँ। सो गाइज, हमारी आज की रेसिपी है क्रिस्पी पनीर पॉपकॉर्न, जो कि बहुत ही जल्द बन करके तैयार हो जाती है। अगर आपके घर पे गेस्ट आए हैं एंड आप उन्हें कुछ स्पेशल खिलाना चाहते हैं और जल्दी में बनाना चाहते हैं, देन ट्रस्ट मी, दिस इज द रेसिपी यू शुड गो फॉर। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो क्रिस्पी पनीर पॉपकॉर्न बनाने के लिए हमने यहाँ पर लिया है पनीर। पनीर को हमने क्यूब्स में कट कर लिया है। उसके बाद हमने यहाँ पर लिया है ब्रेड क्रम्स। ब्रेड क्रम्स मैंने यहाँ पर मार्केट वाला लिया है, आप चाहें तो घर पे भी बना सकते हैं। यू जस्ट हैव टू टेक द ब्रेड, जो भी वाइट ब्रेड, ब्राउन ब्रेड जो आपको चाहिए वो ले, और उसे आप मिक्सर में ग्राइंड कर लें, बिल्कुल चूरा बना लें उसका, और आपके ब्रेड क्रम्स तैयार हो जाएंगे। और उसके बाद हमने यहाँ पर लिया है 4 टेबलस्पून मैदा। आप चाहे तो कॉर्न स्टार्च भी यूज कर सकते हैं, बट आई प्रिफर मैदा बिकॉज ये ज़्यादा बेटर होगा। उसके बाद हमें एक स्लरी बनाना है मैदे का। उसके लिए हमने 1 कप पानी लिया है, ब्लैक पेपर पाउडर एंड सॉल्ट। तो अब सबसे पहले हम मैदे का स्लरी बना लेते हैं। उसके लिए मैं इस मैदे में नमक डालूंगी स्वाद अनुसार, और करीबन 1/2 टेबलस्पून सॉल्ट डाल रही हूँ मैं, सॉरी 1/2 टीस्पून, दैट्स व्हाट आई मेंट। और उसके बाद मैं यहाँ पर ज़रा सा ब्लैक पेपर पाउडर डाल रही हूँ, और इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। और इसके बाद हम इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे, पहले 1/2 कप मैंने पानी डाला है, और इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिएगा। अगेन ऐड सम वाटर एंड मिक्स इट। सो गाइज, हमारा ये स्लरी बनकर तैयार हो चुका है। नाउ व्हाट वी गोना डू इज, हम ये क्यूब लेंगे, इसमें डिप करेंगे, और इसके बाद इसे हम निकाल करके ब्रेड क्रम्स में डालेंगे, और इसे अच्छे से हम ब्रेड क्रम्स से कोट कर लेंगे। हम इसे वापस से हमारे स्लरी में डिप करके वापस से इसे मैदे से कोट करके, और इसे हम ब्रेड क्रम्स में डिप कर देंगे, और फिर से इसे हम ब्रेड क्रम्स से कोट कर लेंगे। तो इसी तरह से हम हमारे पनीर के सारे क्यूब्स को अच्छे से कोट करके पहले प्रिपेयर कर लेंगे। सो आफ्टर यू हैव कोटेड ऑल योर पनीर वेल विथ ब्रेड क्रम्स, मैंने यहाँ पर ऑलरेडी कढ़ाई चढ़ा दिया था तेल डाल करके गर्म होने के लिए। आप इसे डीप फ्राई भी कर सकते हैं, या फिर आप इसे शैलो फ्राई भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पर फिलहाल डीप फ्राई करने वाली हूँ। तो हमारा जो तेल है वो अच्छी तरह से गर्म हो चुका है। आपको बहुत ही सॉफ्टली और जेंटली एक एक पीसेस को पिक करके इसमें डालना है। डोंट ऐड टू मच एट वंस, थोड़ा थोड़ा करके डाल करके आपको इसे फ्राई करना है। पहले तो इसे ऐसे ही थोड़ा सा सेट होने दीजिए, उसके बाद आप इसे किसी भी स्पून से, लैडर से हिलाइएगा। अदरवाइज अगर आप तुरंत इसे तेल में चलाने लगेगा तो क्या होगा कि जो ऊपर की कोटिंग है वो टूट जाएगी, और आपको जो रिजल्ट चाहिए वो नहीं आ पाएगा। सो सी, कोटिंग बिल्कुल भी बाहर निकल करके नहीं आई है। हमने 10 सेकेंड्स के लिए इसे सेट होने के लिए छोड़ दिया था ऑयल में। इसे बिल्कुल ही लो फ्लेम पर हम पकाएंगे, ताकि जो हमारा मैदा है वो कच्चा ना रहे। इसलिए एकदम स्लो आंच पर हम इसे धीरे धीरे पकाएंगे। जस्ट रिमेम्बर कि इसे फ्राई करने के लिए जो आपका ऑयल है वो बिल्कुल गर्म होना चाहिए, उसका जो फ्लेम है हमारे गैस का वो लो होना चाहिए, और एकदम गरम तेल में हम इसे 2 से 3 मिनट के लिए डीप फ्राई करेंगे। और ये टेक्सचर आना चाहिए, ये कलर आना चाहिए, बिल्कुल गोल्डन ब्राउन होना चाहिए हमारा पॉपकॉर्न। तो अब ये हमारा बन करके पॉपकॉर्न रेडी हो चुका है। हम हमारे बाकी के पनीर क्यूब्स को भी इसी तरह से फ्राई कर लेंगे।
गाइस हमारा क्रिस्पी पनीर पॉपकॉर्न बहुत ही डिलिशियस बहुत ही अमेजिंग बनकर तैयार हो चुका है। आप इसे चाय के साथ सर्व कर सकते हैं या फिर आप इसे किसी भी पार्टी में, अगर आप घर पे कोई पार्टी ऑर्गेनाइज कर रहे हैं तो उसमें एज अ स्टार्टर भी सर्व कर सकते हैं। हमारी इस रेसिपी को ज़रूर से ज़रूर ट्राई करें, आई एम श्योर आपको ये रेसिपी बहुत ही अमेजिंग लगेगी। सो गाइस आपको हमारी आज की रेसिपी कैसी लगी हमें इस कमेंट सेक्शन में लिख करके जरूर बताएं, और अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगे तो इसे लाइक करना ना भूलें, आगे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको हमारे सारे नए वीडियो के अपडेट्स मिलते रहें। थैंक यू सो मच, हम फिर से आपके लिए एक नई रेसिपी लेकर आएंगे।